हाथरौद के शासकीय अस्पताल के दो डॉक्टरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल दोनों ही डॉक्टरों पर लाखों की पुरानी कीमती लकड़ी को 11 लाख रुपए में अवैध रूप से बेचने का आरोप लगा है, जिसकी जांच की जा रही है। विज्ञप्ति जारी कैसे की गई है, प्रॉपर पेपर में क्यों नहीं निकाला गया है, क्या इसके संबंध जानकारी लिखना कुछ कागज में, जैसे मान लो क्या है, मतलब जैसे पेपर में प्रॉपर विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, वो अपन मान सकते हैं। मुझे नहीं लगता उचित कार्रवाई हुई है। मैंने अपनी तरफ से सारे दस्तावेज जांच टीम को प्रस्तुत कर दिए हैं। मुख्य बिंदु जांच में क्या रखे थे आपने? 3 घंटों से मैं बाहर बैठा हुआ था, उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया और मुझसे कागज मांगे गए। मैंने प्रत्येक डॉक्यूमेंट पे 1 से 35 संलग्न पेज पे अपने मई दस्तावेज के डॉक्यूमेंट जांच टीम को उपलब्ध करवा दिए हैं और डॉक्टर साहब ने जांच टीम के साथ में अलग से कुछ चर्चा की है और इनके पूरी संलिप्तता दिख रही है इसके अंदर और पैसे के लेन देन हो गए, मामला रफा दफा होने के पूरे चांस है।